एवरीवन, वेलकम बैक टू हेलो मम्मी चैनल। और आज फिर से मैं आ गई हूँ ब्लॉग शूट करने। क्यों कर रही हूँ, हर बार रीज़न देना थोड़ी ज़रूरी है, बट हाँ, मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसी वजह से मैं आ गई थी ब्लॉग शूट करने के लिए। अभी सुबह 11:30 हो रहे हैं और घर की हालत बुरी हो रही है क्योंकि आंटी भी बड़ी देर से आई हैं। मैं दिखा देती हूँ एक बार, मम्मी शायद मंदिर के कामों में लग रही हैं। मम्मी के पास पूजा वूजा करके मम्मी क्या कर रही हैं? मम्मी तवा हमारा दो रंगों वाला कैसे हो गया? तो अभी क्या बना रही हो आप? रोटी ये आलू फली की सब्जी तो मम्मी ने बनाई थी, अब रोटी बना रही हूँ। अच्छा, धनिया वनिया इसमें डलेगा, ठीक है जी। हाँ मम्मी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू हेलो मम ब्लॉग। और अभी खाने पीने की तैयारी क्या मम्मी? सुंदर की अरे सच में तू पहले कमेंट्री करा कर। अभी कई दिनों से मम्मी अर्चना ही अर्चना। अभी मैं कई दिनों से कैमरे पर नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और ये अभी सभी को चल रहा है वायरल, गले में दर्द, हल्का हल्का फीवर, जुकाम अभी भी है, लेकिन हाँ 3-4 दिन से थोड़ी आज सही हूँ। बहुत गला बिल्कुल बर्बाद हो गया था गला, और बिल्कुल काम करने का मन नहीं हो रहा था। और ये अभी पता है जिससे भी सुनो उसके साथ में यही प्रॉब्लम हो रही है, गले में दर्द, तबीयत खराब। तो इस सीजन में आप सभी अपना ध्यान रखें और अपनी केयर करने की बहुत जरूरत है। ठंड भी शुरू हो गई है, तो मैंने तो सॉल भी ओढ़ रखी है, लेकिन कान मन मम्मी टोपा वोपा भी लगा लो, स्कार्फ वगैरह ले आओ। अब इतना भी ना ओढ़ लूं, स्वेटर नहीं पहन रखा, मजाक उड़ा दी मेरा। हमारे टाइगर साहब हैं, ये इसलिए बंधे हुए हैं क्योंकि न खुल सकते हैं, न खा सकते हैं, न उठ सकते हैं, न बैठ सकते हैं। नहीं, बैठ तो सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। मम्मी इसके दोनों कान अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। बिटू टाइगर, अब अंधे सामने देख रहा हूँ। टाइगर, मेरे दिमाग में एक खुरापाती चीज आ रही है, मतलब ऐसे खुरापाती तो नहीं है बट ऐसे थोड़ा बोरिंग लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि हम लोग एक दो मिनट का ही एक चैलेंज करते हैं। तो सबसे पहले जाते हैं मम्मी के पास। मम्मी एक चैलेंज है आपको, सीटी मारनी है। मुझे आती नहीं सीटी। ट्राई करो, ट्राई 1 2 3। मुझे पता है मम्मी नहीं मार पाती, इसलिए बोला मैंने। मम्मी 5 सेकंड के लिए मारनी है, ये चैलेंज है। तू मार जब तक मार रही। मैं तो मार लूंगी, आप मारो। नहीं, हार मान रही हो आप? हार तो मैंने जिंदगी में नहीं मानी। करो मम्मी। चलिए ठीक है, अब आते हैं मम्मन के पास। अब हम आते हैं रचना दी के पास। रचना दी की बारी है, ये मारेंगी सीटी। बजाएंगी सीटी, बजाओ। कह रही किसको मारने? उनका खत्म करना है। भाई दुनिया में दुनिया में बेवकूफ बनाने का काम इनका है, सीटी के बदले ये हवा छोड़। चैलेंज कंप्लीट हो गया, अब वही चैलेंज ना हमारी आंटी करेंगी। आंटी सीटी मार के बताएंगे, देखते हैं मार पाती है या नहीं। एक और बस। बनती नहीं है ये, हम कह रहे हैं बनती नहीं है। आंटी कुकर थोड़ी हो जो आपकी सीटी बनेगी। भाई क्या खाए जा रहे हैं? साबुदाना। रचना ने बनाया है काला काला साबुदाना, काला काला भाई मैं बताऊँ, मैंने बीच में वीडियो बंद कर दी थी, मम्मी को लगा ये बोलना बहुत जरूरी है, 3 बार रिपीट किया उन्होंने ये बात, 3 बार। ओ तो कोई सोचेगा मम्मी ने काला काला बनाया? हाँ, तो बस ये है कि मम्मी का नाम नहीं आना चाहिए कि मम्मी ने काला काला बनाया है, बाकी किसी का भी नाम है। मम्मी ने वो निकल गया, सच निकल गया, सच निकल गया। सच की बच्ची, अभी बताऊँ तेरे को? नहीं यार, ऑन वीडियो पे मुझे गालियां पड़ जाएंगी ऐसे ही सही।
साबुदाना के साथ बैठी साबुदाना को खाने के लिए। अब ऐसा लगा साबुदाना कोई इंसान है और उसके साथ सोफे में बैठा है, सोफे पे साबुदाना बैठा है, जस्ट इमेजिन। और बताओ नहीं आप देखोगे ना मैंने बहुत कम साबुदाना लिया क्योंकि मेरे को डाउट हो रहा है पता नहीं टेस्टी होगा भी नहीं होगा। जरा सा ही साबुदाना लेकर बैठी हूँ खाने की। हमारी छोटी सी मस्ती अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन प्रेस करना। थैंक यू सो मच।